नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डिप्लोमा ट्रेंड्स पर। जैसा कि थंबनेल से क्लियर है, आज हम उन बिंदुओं का स्टायरीन गैस रिसाव से संबंधित विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार हमसे है। जैसे कि राजनीति करने के लिए है हमें जिम्मेदारों की गलतियों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इंजीनियरिंग के क्षेत्र होने के नाते हमें इसके प्रभाव और इससे संबंधित बिंदुओं को जानने और समझने की आवश्यकता है। पूरे वीडियो को मुख्यतः हिंदी में बनाया गया है, किंतु टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में ही रखा जाएगा। समझने के लिए क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स तो होते होंगे, कई ऐसे और भी हुए होंगे, जैसे भोपाल गैस त्रासदी से इसको जोड़ा भी जा रहा है। तो क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो हमको उस इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली की कोई केमिकल की वजह से ये एक्ट हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे प्रिवेंशन और रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा साइन है जो कि इस पे ध्यान देने योग्य है और हमारे जानकारी के लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, घटना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट गोपालपट्टनम की है, जहाँ LG पॉलीमर इंडस्ट्री स्थित है। और खबर ये है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक जहरीले रसायन के विनाशकारी रिसाव ने कई लोगों की जान ले ली और सैकड़ों बीमार हो गए। गोपालपट्टनम के आसपास बस्तियों के निवासियों की, जो LG पॉलीमर प्लांट के करीब हैं, रात के क्षेत्र में खतरनाक स्टायरीन के वेपर यानी कि वाष्प के रूप में रिसाव होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो हम खबरों पर नहीं जाएंगे, खबरों के लिए आप न्यूज़ देख सकते हैं, YouTube पे तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, आपके न्यूज़ चैनल पे लगातार रिपोर्टिंग भी आ रही होगी, वहाँ से आप चाहें तो वहाँ से उस तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जानने लायक चीज़ें ये हैं कि मात्रा कितनी थी स्टायरीन गैस की, क्या स्टायरीन गैस वाकई में हानिकारक है, जानलेवा है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, इफ़ेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे, इसकी एप्लीकेशन क्या है, पर्टिकुलरली उस प्लांट में इसका यूज़ क्या था, और अगर इतना हजार्डस केमिकल ये था तो क्या गवर्नमेंट या फिर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट या फिर जो इंडस्ट्रियल के लिए जो औद्योगिक मंत्री होते होंगे, औद्योगिक विभाग होता होगा, क्या उसने कोई रूल नहीं बनाया है, और अगर बनाया है और इम्प्लीमेंटेशन होता था तो रिसाव कैसे हुआ, और रिसाव हो गया है तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस और क्या प्रिवेंशन लिए जा रहे हैं और किस तरह टीम वहाँ पर वर्क कर रही है, इस वीडियो में फिलहाल हम वही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टायरीन गैस जो है वो इस वीडियो का मुख्य नायक है, और जिस इंडस्ट्री से LG पॉलीमर प्लांट से इसका रिसाव हुआ है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम उसके हिस्ट्री को जान लेते हैं। कंपनी को हिंदुस्तान पॉलीमर नाम की कंपनी ने 1961 में शुरू किया था। मुख्यतः यहाँ पे प्लास्टिक उत्पाद बनते हैं और ये पहले श्रीराम ग्रुप का हिस्सा थी। 1978 में मैकडॉवेल एंड कंपनी ने इसको खरीद लिया, और 1997 में दक्षिण कोरिया की LG केम नाम की कंपनी ने इसको खरीद लिया। केम मतलब केमिकल से रिलेटेड है। तो अब इस लॉकडाउन में ऐसा क्या हो गया कि इसका रिलीज हुआ या फिर रिसाव हुआ इस स्टायरीन गैस का? तो दरअसल हुआ क्या कि लॉकडाउन की वजह से जो सारे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सारे चीज़ें जो है औद्योगिक इकाइयाँ जो थी, इंडस्ट्रियल यूनिट, वो बंद की गई थी। तो दरअसल जो होता है स्टायरीन गैस जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि तरल पदार्थ के रूप में होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर किया गया था, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि वो रिसाव हुआ स्टायरीन गैस का। तो काफ़ी दिनों तक उसको एज इट इज़, और इसकी जो मात्रा बताई जा रही है वो 1800 टन बताई जा रही है, यानी कि इसकी काफ़ी मात्रा वहाँ पर मौजूद थी, और इतने ज़्यादा अमाउंट के होने की वजह से जब वहाँ पर काफ़ी दिन से स्टोर रहने के कारण इसका टेम्परेचर राइज हुआ, और इस कारण उसमें ऑटो पॉलीमराइजेशन नाम की क्रिया हुई जिससे इसके वेपर निकले, यानी कि इससे वाष्प निकले, और तकरीबन रात्रि में इसका रिलीज़ हुआ 3 बजे के या फिर 2 बजे के आसपास, घटनाएं बताई जा रही हैं कि रिलीज़ हुआ, और लगभग LG पॉलीमर प्लांट जो है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में इसका प्रभाव पड़ा, जिससे कि अभी तक के स्रोतों के हिसाब से 10 लोगों की मृत्यु हुई है और सैकड़ों अभी भी इससे गंभीर रूप से इसमें चपेट में आए हैं और अभी भी एडमिट हैं। अब इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि इसको हैंडल करने के लिए स्किल्ड पर्सन और लेबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन पे एबनॉर्मल कंडीशन शो करता है, तो स्किल्ड पर्सन या लेबर वहाँ पे पहुँच नहीं पाए थे और इस इंडस्ट्री को शुरू कर दिया गया था। स्टायरीन गैस जो है वो हजार्डस केमिकल की श्रेणी में आता है, जिसके कारण मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल अमेंडमेंट रूल 1989 MSIHC रूल 1989 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, यानी कि खतरनाक रासायनिक
के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची में ये शामिल है। तो इसकी हैंडलिंग और मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और इम्पोर्ट के लिए स्किल्ड पर्सनल लेबर की आवश्यकता होती है, जो कि वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं, जबकि लॉकडाउन में इंडस्ट्रियल यूनिट को थोड़ी बहुत छूट दी गई थी ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो रीस्टार्ट करें। अब बात करेंगे हम कि स्टायरीन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, हम उसके रासायनिक गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो स्टायरीन जो है वो बेसिकली बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसका अन्य नाम है जो वो है विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, सिनेनामीन, फिनाइल इथाइलीन। ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो ये तरल होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फ्लेमेबल होता है यानी कि ज्वलनशील होता है। सोर्सेज क्या क्या हैं, ये गाड़ियों के धुएं से भी निकलता है जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं, सिगरेट जो इस्तेमाल किया जाता है उसके स्मोक में भी होता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में ये फलों और सब्जियों में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी पाया जाता है। इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, बेसिकली इसके प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इरिटेशन इन द आईज, आँखों में इरिटेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, आपको फेफड़ों में दिक्कत होगी, और कुछ पेट की समस्याएं भी निकल कर सामने आएंगी। एप्लीकेशन क्या होते हैं, पर्टिकुलरली एलजी पॉलीमर प्लांट में, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लगता है क्यूरोसिटी होगा हम लोगों के अंदर कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो ये बेसिकली पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक बनाने के यूज़ में आता है, फाइबर ग्लास बनाने के यूज़ में आता है, रबर बनाने के यूज़ में आता है, और अन्य प्लास्टिक उत्पाद इसी के द्वारा बनता है। मोस्टली आप इसको फूड पैकेजिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके इफ़ेक्ट के बाद ऐसा क्या हुआ, कि मतलब कौन कौन से प्रिकॉशंस और चीज़ें हुई। तो लगभग जब इसका रिसाव हुआ रात्रि के 2 बजे, तो उस टाइम बेसिकली मोस्टली सभी लोग सोए हुए थे, और सूचना मिलने के बाद वहाँ पे CISF और NDRF की टीम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई, लेकिन वो जो है इस आपदा से निपटने में किसी केमिकल विशेषज्ञ की सहायता चाहती थी, जिसके लिए CBRM की टीम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद पुणे से रवाना हुई वहाँ के लिए। तो CBRM की फुल फॉर्म क्या है, हमारे जानने लायक है, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसी टीम, इसी को हम लोग CBRM कहते हैं। ठीक है, तो ये टीम जो है वो रवाना हुई पुणे से, और इसने 3 बजे तक ये बताया कि काफ़ी कुछ हद तक इसको हम लोग सही कर लिए हैं, इसका प्रभाव रोक दिए हैं, इसका जो रिलीज है वो रोका गया है। तो बेसिकली हमसे कोई पूछता है कि स्टायरीन की बेसिक प्रॉपर्टी बताओ, तो हाइड्रोकार्बन बता सकते हैं, ये रंगहीन होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये 3 चीज़ें जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, इसको बता सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है स्टायरीन गैस जो है वो होती है हवा से भारी होती है, और इसी वजह से जब इसका रिलीज़ हुआ तो ये हवा में ऊपर ना जाकर नीचे आ गई, और इस वजह से क्या हुआ, हमको जब सुबह जब टीमें आईं तो कई लोगों के फाटक जबरदस्ती तोड़कर घुसना पड़ा, और वहाँ अंदर आदमी बेहोश थे, क्योंकि हवा जो है वो हवा से भारी होती है तो नीचे बैठेगी। ठीक है, और इसीलिए उसके बाद पानी का छिड़काव किया गया ताकि वो उसमें सॉल्युबल हो जाए। इसके लिए एक प्रिकॉशन ये भी लिया गया कि लोगों को गीले रुमाल या फिर गीले कपड़े को अपने नाक पर रखने के लिए कहा गया, इससे क्या होगा कि वो रुमाल या फिर उस गीले कपड़े के अंदर ही सॉल्युबल होके रुक जाएंगी, वो इनहेल नहीं कर पाएंगे, उनको यानी कि अपने श्वसन क्रिया के द्वारा ज़्यादा अंदर नहीं रह सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उतना डेंजरस नहीं है, ये मतलब जिस तरह बताया जा रहा है कि ये क्या कहते हैं हमारे लिए जानलेवा है, तो स्टायरीन की भारी मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा अगर होगी तो ही हमारे लिए हानिकारक है, ऐसे नॉर्मल स्टायरीन इतना घातक नहीं हो सकता है। जैसे कि बताया जा रहा है कि आँखों में जलन पैदा होगी, पेट की समस्या हो सकती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, श्वसन क्रिया दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी अगर उससे जोड़ा जाए, जिसमें कि 3700 लोग मरे थे गवर्नमेंट फाइल के हिसाब से, 5.5 लाख के आसपास लोग उसमें अभी भी निकल नहीं पाए, विकलांग हो गए, कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उससे अगर जोड़ा जाए तो ये और हजारडस हो सकता था। इसके फर्दर आगे के कुछ ऐसे नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिससे ये कहा जाए कि ये भविष्य में और दिक्कतें पैदा करेगा, फिलहाल में कह सकते हैं शरीर से निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये जो थी मोटी चीज़ें जो हमारी और आपके जानने लायक थी, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी किसी इंडस्ट्री पे और किसी आपदा पे जैसे भोपाल गैस त्रासदी पे
अगर आप चाहते हैं कि हम उसका एक फुल एनालिसिस डाटा सहित अगर आपके साथ रखें तो कमेंट करिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।